हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उमर रियाज यानी असीम रियाज के भाईजान इनकी और सलमान खान भाईजान की बातचीत। वहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर पारस की गर्लफ्रेंड भी आई थी, उमर रियाज भी आए थे, तो वहां पर क्वेश्चन आंसर हो गए थे। तो भाईजान ने उमर रियाज को सबसे पहले जब देखा और उनके साथ बातचीत करना शुरू की, तो वहां पे भाईजान ने ये कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं असीम रियाज के साथ ही बात करता हूँ। अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से काफी मिलते भी है दिखने वाइज, और इनकी जो लैंग्वेज है, इनका जो लहजा है बोलने का, वो बिल्कुल सेम है। आपको भी ऐसा लगेगा, अगर आप आंख बंद करके उनको सुनोगे उमर रियाज को, तो आपको ऐसा लगेगा कि असीम रियाज बात कर रहा है यार। तो उनके साथ बात करते हुए भाईजान ने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं असीम रियाज के साथ ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने सिद्धार्थ और असीम के जो दोस्ती थी, जो फ्रेंडशिप थी, उसके बारे में उन्हें पूछा, और उसके बाद में जब दुश्मनी हो गई उसके बारे में पूछा। और भाईजान ने वहां पर एक बात कही कि असीम रियाज जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला को प्रोवोक कर रहे हैं, और ये उनको प्रोवोक क्यों कर रहे हैं अगर इनको पता है कि वो बहुत एग्रेसिव है और उनका नेचर ऐसे एक दूसरे के साथ अगर प्रोवोक कर रहे हैं तो समझने का नहीं है, वो हाथ लगाएंगे ही लगाएंगे, तो फिर ये प्रोवोक क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर असीम रियाज के भाई ने उनको कहा, यानी उमर रियाज ने उनको कहा कि देखो वहां पर उनकी गलती है क्योंकि वो बार बार उन्हें हाथ लगा रहे हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ ये अभी तक सूत्रों की तरफ से नहीं समझ में आया, लेकिन ये पूरी जो इनके दोस्ती पर हो या इनके दुश्मनी पर, ये पूरी बातचीत उनके साथ हुई है। साथ ही वहां पारस की गर्लफ्रेंड भी आई थी, और पारस की गर्लफ्रेंड को वहां पे पूछा गया कि पारस जो लड़कियों के साथ कनेक्शन बना रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहां पर उनकी गर्लफ्रेंड ये कहती है कि यार मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, हमने पहले घर में जाने के पहले ही, यानी पारस घर के अंदर जाने से पहले ही वहां पर ये कह दिया था कि वो उसके घर में जाने के बाद लड़कियों के साथ कनेक्शन बनाएगा, तो ये हमारी एक तरह से एक स्ट्रैटेजी थी। ऐसे उन्होंने क्लियर कर दिया और उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कनेक्शन वहां पर पारस छाबड़ा घर के अंदर बना रहे हैं, और अगर हमने देखा तो पारस छाबड़ा जितने भी कनेक्शन बनाए वो गेम के हिसाब से ही है, वहां पर वो किसी के प्यार में पागल नहीं हुए है, तो बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रहे हैं पारस छाबड़ा। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको असीम और पारस में कौन ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। इस पर और भी कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि डबल इविक्शन नहीं है, यानी सिर्फ खेसारी लाल यादव को वहां पे घर से इविक्ट हमने देखा कि फ्राइडे को कर दिया था, और सैटरडे संडे को कोई भी इविक्शन नहीं है टीआरपी के लिए। आज की रात में आपको ये बताया जाएगा कि कल एक और इविक्शन होगा, लेकिन ऐसी कोई भी चीज वहां पर होने वाली नहीं है। तो और भी न्यूज के लिए हमारे चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।